दोस्तों, आज मैं आपको कश्मीर के एक पवित्र हिंदू मंदिर में ले चलूंगा, अनंतनाग का मारतंड सूर्य मंदिर। यह मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे देश के बाहरी लोगों और घुसपैठियों ने बर्बाद कर दिया था। यदि आप कश्मीर घाटी की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं और यात्रा और पर्यटन एजेंसियों से बात कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि वे इस स्थान को आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं हूं रुद्रदेव। आज मैं आपको एक ऐसे पवित्र मंदिर में ले चलूंगा और इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। कश्मीर में कई मंदिर हैं, जैसे श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी के शीर्ष पर शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर में जेलम नदी के तट पर अवंती स्वामी मंदिर, मारतंड सूर्य मंदिर। कई अध्ययन और मौजूदा मंदिर के खंडहर मारतंड सूर्य मंदिर के इतिहास और विनाश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को निशाना बनाकर हमारी उपस्थिति को मिटाने का प्रयास किया, जिससे यह प्राचीन भारत के साहित्य और स्थापत्य अवशेषों की खोज के लिए गर्व का स्रोत बन गया। मंदिर के बारे में खोज करते समय मुझे रॉयल नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड कैरेबियन स्टडीज और लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विकिमीडिया कॉमन्स के संग्रह से दो बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें मिली। 1870 के दौरान ब्रिटिश भारत में कश्मीर घाटी के ऊपर पठार पर मारतंड मंदिर की दुर्लभ तस्वीरें। मैं इसके लिए रॉयल नीदरलैंड्स और सहयोगियों के दुर्लभ संग्रह और संग्रह को धन्यवाद देता हूँ। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर बोर्ड दिखाई देता है जो मंदिर का संक्षिप्त इतिहास प्रदर्शित करता है। सबसे पहले मैं आपको लिखित के बारे में बता दूं। सूर्य देवता मारतंड को समर्पित इस मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ लगभग 724 से 761 ईस्वी ने किया था। यह भव्य बृहदाकार मंदिर कश्मीर के स्थापत्य एवं शिल्प कला शैली का अनूठा उदाहरण है। मुख्य मंदिर भव्य कक्षयुक्त एक विशाल अहाते के मध्य में स्थित है। इसके प्रवेश द्वार की दीवारें पथरावलियाएं, फूल पत्तियां युक्त हंसों के जोड़े, विष्णु एवं मानव आकृतियों से सुसज्जित है। मुख्य मंदिर आयताकार गर्भगृह, अंतराल तथा विस्तृत मंडप से युक्त है। मंडप के दोनों ओर बने कक्ष इसकी मुख्य विशेषता है। इसके अंतराल एवं मंडप की दीवारों पर वंश, यमुना, विष्णु तथा अन्य देव आकृतियां बने हैं। परिकोष्ठों में बने छोटे देवालय परवर्ती काल के हैं। इसकी संरचना में सुगठित देवरी पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के अग्रभाग पर इत देवताओं के बीच सूर्य की संरक्षित प्रतिमा है जो घोड़े पर सवार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण श्रीनगर मंडल खंडहरों और संबंधित पुरातात्विक खोजों से यह कहा जा सकता है कि यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो गंधारण, गुप्त और चीनी वास्तुकला का मिश्रण था। दोस्तों, जैसे जैसे हम मंदिर परिसर के अंदर आगे बढ़ते गए, हमें वास्तुकला के खंडहर मिलते गए। मारतंड सूर्य मंदिर की वास्तुकला के बारे में, मारतंड मंदिर एक पठार पर स्थित है जहां से पूरी कश्मीर घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अवशेषों और संबंधित पुरातात्विक खोजों के अनुसार यह वास्तुकला की कश्मीरी शैली का एक असाधारण उदाहरण था जिसने गंधारण, गुप्त और चीनी प्रकार की वास्तुकला को एकीकृत किया था। मंदिर में मध्य में मुख्य मंदिर के साथ एक स्तंभ युक्त प्रांगण और इसके चारों ओर 84 छोटे मंदिर शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 220 फीट लंबाई और 142 फीट चौड़े हैं और एक पूर्ण मंदिर को एकीकृत करते हैं। यह मंदिर कश्मीर में पेरिस्टाइल का सबसे बड़ा उदाहरण है और यह अपने विभिन्न कक्षों के कारण जटिल है, जो आकार में आनुपातिक हैं और मंदिर की पूरी परिधि के साथ पंक्तिबद्ध है। हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली के अनुरूप मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार चतुर्भुज के पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसकी चौड़ाई मंदिर के समान ही है, जो भव्यता स्थापित करती है। अपने भव्य डिजाइन और बेहतर प्रतिष्ठित देवताओं के संकेत के कारण प्रवेश द्वार समग्र रूप से मंदिर को दर्शाता है।
मुख्य मंदिर एक पिरामिड शिखर के साथ एक केंद्रीय रूप से स्थित इमारत मंदिर उचित में स्थित है, जो कश्मीरी मंदिरों की एक आम विशेषता है। विष्णु जैसे विभिन्न देवताओं साथ ही गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को सूर्य देवता सूर्य के पूरक के रूप में मंदिर के मुख्य कक्ष में चित्रित किया गया है। जोना राजा और हसन अली के ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार 1398 से 1413 तक शासन करने वाले सिकंदर शाह मीर ने सूफी मौलवी मीर मोहम्मद हमदानी की सलाह पर काम करते हुए इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास में मंदिर के व्यवस्थित विध्वंस की साजिश रची। इसके बाद कई भूकंपों के कारण मंदिर के अवशेषों और कलाकृतियों को काफी नुकसान हुआ। भारत सरकार की संरक्षण पहल के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय संरक्षित स्थलों की रजिस्ट्री में इसे कारतांडा सूर्य मंदिर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जैसे जैसे हम मंदिर के पीछे की ओर बढ़े, खंडहरों और अवशेषों की विशिष्ट उपस्थिति स्पष्ट होती गई। समय बीतने के साथ साथ समय की मार पड़ी, जिससे कभी राजसी मूर्तियां नष्ट हो गईं, उनके चेहरे या तो विकृत हो गए या पूरी तरह से गायब हो गए, कुछ को उनके मूल स्थान से जबरन हटा दिया गया। इस सांस्कृतिक खजाने को बहाल करने में भारत सरकार के सक्रिय रुख के लिए हमारे भीतर आभार प्रकट हुआ। सावधानीपूर्वक उपायों और विस्तार पर ध्यान देने की विशेषता वाले उनके सावधानीपूर्वक नवीकरण प्रयासों ने हमें आश्वस्त किया कि मंदिर की पूर्व भव्यता फिर से जीवित हो जाएगी। इतिहास को संरक्षित करने, भावी पीढ़ियों के लिए इस पवित्र स्थल की स्थायी विरासत को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को देखना खुशी की बात है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर और इसके परिसर का एक गहरा कनेक्शन है? इस स्थान ने वर्षों तक कई प्रतिष्ठित हिंदी फिल्मों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। 1970 में धर्मेंद्र और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म मन की आंखें में मंदिर के स्थान को प्रमुखता से दिखाया गया था, जहां मारतंड मंदिर ने प्रसिद्ध रफी और लता के गीत चला भी आजा रसिया की पृष्ठभूमि बनाई थी। 1975 में तेजी से आगे बढ़ते हुए मंदिर परिसर ने एक बार फिर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन अभिनीत हिंदी फिल्म आंधी में सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई।
इसने किशोर लता के यादगार गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं के लिए सुरम्य सेटिंग प्रदान की। 2014 में मंदिर ने हिंदी फिल्म हैदर में सिनेमाई उपस्थिति दर्ज की, जो कश्मीर संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित हेमलेट का एक आधुनिक रूपांतरण था। हालांकि कुछ कश्मीरी पंडितों ने चिंता व्यक्त की कि साइट को बुराई के अड्डे के रूप में चित्रित करने से उनकी भावनाएं आहत हुईं, जिसके कारण प्रतिबंध की मांग की गई। तो दोस्तों, इस पवित्र स्थान के बारे में आपका क्या नजरिया है? कृपया जब आप कश्मीर दौरे पर हों तो अवश्य जाएं। इसलिए यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर में ऐसे संग्रह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक दिलचस्प वीडियो के साथ